हेलो एवरीवन। तो फाइनली आप सभी बच्चों का आज राउंड वन का WBJ 2024 के काउंसलिंग का राउंड वन का अलॉटमेंट जो डेट है वो आज का ही है। तो बहुत जल्द आपका जो रिजल्ट है वो रिलीज होने वाला है कि आपको कौन सा सीट अलॉट हुआ है। बहुत सारे बच्चों के मन में कन्फ्यूजन आ रहा है कि हमें कौन सा स्टेप लेना है, ठीक है, अलॉट होने के बाद, या फिर अगर नहीं अलॉट होता है तो उस केस में हमें क्या करना है। तो उन सारे चीज़ों का आपको जवाब इस पार्टिकुलर वीडियो में आपको मिल जाएगा। तो स्टार्टिंग से लेकर के लास्ट तक इस वीडियो को डिटेल में देखना। तो इसी के साथ स्टार्ट करते हैं भाई। सबसे पहला आप देख सकते हो राउंड वन का अलॉटमेंट। देखो, सबसे पहला बात, राउंड वन का जो अलॉटमेंट है वो इस तरीके से आपको किया जाएगा कि आपने क्या क्या इनपुट प्रोवाइड किया है अपने चॉइस फिलिंग के अंदर, ठीक है, उसके अनुसार आपको मिलेगा, ठीक है। अब वहाँ पर जो अलॉटमेंट स्टेटस है वो आपको शो होगा कि कौन से इंस्टीट्यूट का कौन सा कोर्स आपको अलॉट किया गया है, ठीक है। उसके बाद अगर आपको अलॉट होता है देन आपको 5000 पे करके, ठीक है, 5000 जो कि आपका नॉन रिफंडेबल है, ठीक है, 5000 जो है वो आपको पे करके उसके बाद फिर आपको क्या करना है, आगे सीट एक्सेप्टेंस फी को पे करने के बाद डाउनलोड करना है अलॉटमेंट लेटर को, ठीक है। उसके बाद कैंडिडेट को रिपोर्ट करना होगा कहाँ, इंस्टीट्यूट में, ठीक है, विद द अलॉटमेंट लेटर एंड ऑल अदर डॉक्यूमेंट्स फॉर द फिजिकल वेरिफिकेशन, ठीक है। अगर कैंडिडेट फेल होता है, ठीक है, रिपोर्ट करने में, ठीक है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, तो उसका जो करेंट अलॉटमेंट है वो कैंसिल हो जाएगा ऑटोमेटिकली एंड ही एंड सी विल नॉट कंसिडर्ड फॉर द सीट अलॉटमेंट इन अपग्रेडेशन राउंड। मतलब वो आगे के राउंड में वो फिर पार्टिसिपेट नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो इस बात को याद रखना कि अगर आप चाहते हो कि राउंड टू के लिए आप जाकर के यस अपग्रेडेशन के बाद राउंड टू अलॉटमेंट में बैठना चाहते हो, देन आपको राउंड वन का सीट एक्सेप्टेंस फी 5000 आपको पे करना है, मस्ट है, ठीक है। एंड साथ में आपको जाकर के फिजिकल वेरिफिकेशन भी करवाना होगा, ठीक है। If at any stage it found on the security by any concerned authority that the applicant is not eligible for allotment, his or her allotment admission shall be treated as cancelled. अगर मान लो आपने जो डिटेल वहाँ पर फिल किया, फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए जा रहे हो, आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कोई भी किसी भी टाइप का दिक्कत आ रहा है, देन आपका सीट क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, आपका एडमिशन नहीं होगा, आपका सीट वो रहेगा नहीं, ठीक है। आगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की अगर हम बात कर लें तो यहाँ पर देखो भाई, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए भी यहाँ पर कुछ चीजें यहाँ बताई गई है, ठीक है। वन सेकेंड, हाँ, एन अलॉटमेंट इज गिवेन बेस्ड ऑन द इनपुट प्रोवाइडेड बाय द कैंडिडेट। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द अलॉटेड इंस्टीट्यूट। WBJEE बोर्ड will not be responsible for any mistake in document verification and subsequent admission, ठीक है। जो allotment होता है, ठीक है, input के हिसाब से, ठीक है, वहाँ पर document verification के लिए जो भी institute आपका allot होता है वो responsible होगा, WBJEE board यहाँ पर responsible नहीं होगा, ठीक है। और क्या क्या document आपको लेकर के जाना है, ठीक है, देखो, सारे कैंडिडेट को 10th का एडमिट कार्ड, ठीक है, और अगर एडमिट कार्ड नहीं है तो वर्क सर्टिफिकेट, ठीक है, और उसके बाद 10th का मार्कशीट, 12th का मार्कशीट, ठीक है। अगर OCI कैंडिडेट हो, ठीक है, OCL कैंडिडेट हो, ठीक है, OCI कैंडिडेट हो, देन आपको क्या करना है, OCI सर्टिफिकेट भी लेकर के जाना होगा, ठीक है। और अगर वेस्ट बंगाल का डोमेसाइल कैंडिडेट है देन फिर आपको डोमेसाइल सर्टिफिकेट भी लेकर के जाना होगा, ठीक है। और SC ST OBC या किसी रिजर्व कैटेगरी के अंदर आप आते हो, वेस्ट बंगाल के हो, देन आपको उसका भी सर्टिफिकेट लेके जाना होगा। PWD अगर कैंडिडेट हो देन आपको PWD सर्टिफिकेट भी लेकर के जाना होगा। TFW कैंडिडेट हो देन आपको TFW का भी सर्टिफिकेट लेकर के जाना होगा, ठीक है, जो कि सारा आपको यहाँ पर 6.0 6.1 6.2 सारे में आपको यहाँ पर क्या दिया गया है इंफॉर्मेशन बुलेटिन के अंदर, ठीक है। आगे अगर हम बात कर लें कि भाई यस अपग्रेडेशन और, ठीक है, नो अपग्रेडेशन का फॉर्म कहां से आपको डाउनलोड करना है, तो मैं लिंक जो है अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा एंड टेलीग्राम पे दे दूंगा, साथ ही साथ व्हाट्सएप ग्रुप पे दे दूंगा, जाकर के वहां से ज्वाइन कर लेना, ठीक है। नो अपग्रेडेशन का फॉर्म जो है वो आपको यहाँ वहाँ पर मैं डाल दूंगा, यहाँ लोड नहीं हो रहा है अभी, ठीक है,
यस अपग्रेडेशन एंड नो अपग्रेडेशन, इस दोनों का ही फॉर्म जो है वो आपका रिलीज कर दिया गया है डब्ल्यू बी जेई के तरफ से, ठीक है, जो कि मैं डाल दूंगा, सारे बच्चे वहां से जाकर के डाउनलोड कर देना। चलिए बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहो, मुस्कुराते रहो एंड मचाते रहो। अगर किसी भी बच्चे को लग रहा है कि उनको कोई सीट नहीं मिल पाएगा, ठीक है, और आप चाहते हो कि टॉप के कॉलेज में आईएम हो गया, हेरिटेज हो गया, हल्दिया हो गया, टेक्नो हो गया, टेक्नो ग्रुप का कोई भी कॉलेज जैसे नेताजी हो गया, एमएसआईटी हो गया, या फिर जेआईएस ग्रुप का कोई कॉलेज, नरूला, जीएनआईटी, जेआईएस, इन सारे कॉलेजेस में अगर आप एडमिशन्स लेना चाहते हो तो काफ़ी अच्छा कॉलेज है, कम बजट में वेस्ट ब्रांच, वेस्ट कॉलेज अगर लेना चाहते हो, जो जो नीचे नंबर आ रहा है उस पर कॉन्टैक्ट कर लेना, ठीक है, आपको हमारी टीम पर्सनली कॉन्टैक्ट करके सब कुछ गाइड कर देगी कि किस कॉलेज में क्या आपका जो चार्जेज वगैरह है क्या लगने वाला है, ठीक है, और कौन सा ब्रांच जो है वो आपके लिए बेहतर होगा, आपके बजट के हिसाब से आपको गाइड कर दिया जाएगा, ठीक है भाई, तो फटाफट कॉल कर लो। चलिए बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।